अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो है मेहंदी के कलर को तेज़ करने के हवाले से, तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी व्यूअर्स, अपनी टिप स्टार्ट करते हैं। इस टिप के लिए सिर्फ हमें दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। एक तो हमें लौंग की ज़रूरत होगी, 7 दाने हमें लौंग के चाहिए। ये आपको आराम से किचन से अपने मिल जाएंगे, ये आपके घरों में ही मौजूद होंगे। और दूसरी चीज़ हमें चाहिए सरसों का तेल। अब आप जो कोई भी मेहंदी लगाएं, कोई सी भी कोन मेहंदी आप इस्तेमाल करें, आपने जैसा मर्जी डिज़ाइन लगाया, आपने उसको जब सुखाना है तो आपने करना ये है कि जब रात में, नॉर्मली हम चांद रात को मेहंदी लगाते हैं, मेहंदी लगाने के बाद आपने स्टोव पे चूल्हे के ऊपर तवे को रखना है। तवे को आपने अच्छी तरह गर्म कर लें। गर्म करने के बाद आपने 7 दाने लौंग के, 7 दाने आपने लौंग के ले लेने हैं। और लौंग में भी आपने सिर्फ फूल वाला दाना लेना है, फूल यानी कि इस तरह का फूल इसके ऊपर बना हो। सिर्फ 7 दाने आपको चाहिए इस लौंग के, ठीक है। 7 दाने आपने लौंग के तवे पे रखे। तवे पे आपने जैसे ही इनको रखना है, उसमें से धुआं निकलना शुरू हो जाएगा, तवा गर्म है। और जब वो धुएं से वो जलना शुरू हो जाएंगे, आपने उस धुएं से अपनी मेहंदी को अच्छी तरह से सुखा लेना है। जब आप धुएं से सुखा लेंगे, रात अगर कोशिश करें आप इसी तरह रख दें, या 1-2 घंटे के लिए ज़रूर आप अपनी मेहंदी को इस तरह से छोड़ दें, और सुबह उठ के आपने मेहंदी पे ये सरसों का तेल लगा लेना है। सरसों का तेल आप जिस जिस जगह आपका मेहंदी का डिज़ाइन है आपने वो लगा लेना है। और उसके बाद आपने इसको मेहंदी को वॉश कर लेना है। मेहंदी को आपने साबुन से वॉश नहीं करना, और 1-2 घंटे के बाद आप साबुन से वॉश कर सकती हैं। सिर्फ पानी से पहली दफ़ा वॉश कीजिएगा, 1-2 घंटे के बाद जब साबुन लगाएंगी तो आप देखिएगा आपकी मेहंदी का रंग बहुत ही ज़बरदस्त आएगा, और साथ ही ये रंग बहुत दिनों तक भी रहेगा। आप ज़रूर इस टिप को यूज़ कीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम और अच्छी वीडियो के साथ मैं आपके सामने आऊँगी।